सूजी का हलवा तो आज तक सभी लोगों ने बनाया है, लेकिन इसका सही मेजरमेंट आज तक किसी को पता ही नहीं है। कोई घी ज़्यादा डालता है तो कोई उसमें चीनी ज़्यादा डाल देता है उसको अच्छा दिखाने के लिए कि अगर ज़्यादा घी डालेंगे तो अच्छा हलवा बनेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही मेजरमेंट से हलवा बनाते हैं तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर हमें एक तरह की सारी कटोरियाँ लेनी है, एक कटोरी सूजी, उससे थोड़ी सी कम चीनी और जितनी चीनी है उतना घी, और यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ली हैं और काजू लिए हैं और थोड़ी सी इलायची के दाने लिए हैं। और यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा ग्लास पानी। काजू को छोटा छोटा कट कर लेते हैं। काजू को कट करना ना कट करना ये आपकी मर्जी है, मेरा मन है कट करने का तो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। अब लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच बड़ा देसी घी और थोड़ा बचा हुआ घी बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम डालते हैं इसमें एक कटोरी सूजी। सूजी को धीरे धीरे भूनना है कम गैस पर। अगर आप तेज़ गैस पर भूनते हैं तो सूजी जल सकती है और जली हुई सूजी का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, तो पेशेंस चाहिए होता है इसको धीरे धीरे भूनने के लिए। तो धीरे धीरे भूनिए। ब्राउन कलर हो जाने के बाद एंड में इसमें डालने हैं काजू। काजू डालने के बाद 1 मिनट चलाना है, उसके बाद हमें डालना है पानी। 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद बहुत ही कम गैस पर इसको पकाना है सूजी को। उसके बाद हम डालेंगे इसमें किशमिश। धीरे धीरे सूजी पक रही है। और अब हम डालेंगे इसमें, जब पानी सूख जाता है उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। 1 कटोरी जो हमने सूजी ली थी उसके बराबर हमने चीनी ली थी, थोड़ी सी कम, तो वो चीनी हम इसमें डाल देंगे। चीनी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरह से बनाएंगे आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा, ना चीनी ज़्यादा होगी ना घी ज़्यादा होगा और परफेक्ट आपका हलवा बनकर तैयार होगा। और जो बचा हुआ घी है वो हम एंड में डालेंगे। पानी पूरी तरह से सूख चुका है और जब हम सूजी को पलट रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, अलग हो रही है अच्छे से। तो इस टाइम पर आपका हलवा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा घी हम शाइनिंग के लिए डालेंगे जो कि हमने बचा कर रखा हुआ था, बस वही घी हमें यूज़ करना है। अब एक काजू लेते हैं, कटोरी में इस तरह से लगा देते हैं। उसके बाद हम हलवा इसमें सर्व करते हैं कटोरी में। तो इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे तरह से कर रहे हैं। इसको अच्छे से दबा के हमें इसे प्लेट पर पलटना है तो काजू ऊपर से दिखाई देगा तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। उसके ऊपर हम शाइनिंग के लिए फिर से थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने ना ज़्यादा घी यूज़ किया ना ज़्यादा हमने चीनी यूज़ करी, तो इस तरह से परफेक्ट हलवा बना सकते हैं।